जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही खूबसूरत ये आर्ट आपको यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। तो आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और टिबेटियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट धर्मशाला के कलाकार आपके मध्य हम लेकर आ रहे हैं। और इस बीच में एक सूचना यहाँ पर देना चाहूँगा, एक छोटी सी बच्ची है कंचन, वो कहीं अपने माता पिता से बिछुड़ गई है, शायद अंदर आ गई है, तो देवता वीरनाथ के यहाँ पर पहुँच जाएँ। कंचन, कंचन से निवेदन कि वो देवता वीरनाथ के यहाँ पहुँच जाएँ। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के साथ और ये टिबेटियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकार आपके मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं संग चू डांस। ये तिब्बत का डांस है, डोमे जो प्रोविंस है वहां का ये नृत्य है। तो आइए ये कलाकार आपके मध्य। तो आइए ये टिप्पा के कलाकार। वहां इनकी पकड़ वहां पर है, वो कृपया उधर स्टार्ट कर दें। ये तैयार बैठे हैं संगचू डांस तिब्बत के ये कलाकार आपके मध्य हैं। Okay.
जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत डांस इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो आइए अब कुछ हंसने हंसाने की बात करते हैं। हमारे बीच हैं रविंद्र जॉनी। रविंद्र जॉनी आप टीवी शोज में भी इनको देखते हैं, बहुत सारे शोज इन्होंने किए हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कॉमेडियन है, बहुत मजा आएगा, तो खूब हंसेंगे, कुछ गुदगुदाएंगे। तो आइए आपके बीच आ रहे हैं रविंद्र जॉनी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, लड़कियां डांस कर रही थी और अब मैं आया हूं तो आप लोगों को जरूर ऐसा लगा होगा जैसे गुलाब जामुन खा रहे थे और बीच में प्याज फंसा दिया है। नहीं, मैं ऐसी बातें करूंगा, आप सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ के जाऊंगा। मेरी बात में बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को मजा आएगा, हंसी आएगी, और नहीं आए तो मुंह पे थूक देना पड़ोसी के। कुछ लोग पड़ोसियों को देखने भी लग गए, पीछे कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े होके जा रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। है नहीं सही कह रहा हूं, अभी वो कह रहे थे ताली बजाना, ये करना वो करना, ताली बजाना क्यों, बाप का राज है क्या? ताली अच्छी माल, अच्छा माल होगा तो अपने आप ताली बज जाएगी। सब समझदार लोग बैठे हुए यहां पर, ताली की कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ये देखो ये बज गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बढ़िया श्रोता, इतने अच्छे श्रोता मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं देखे। और हालांकि सही बात यह है कि मैं इतना दूर दूर तक गया भी नहीं। मैं देखो मस्ती का आदमी, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। हाँ ले लो। हाँ नहीं, इतनी देर से ये चांस मार रहे हैं, पर इस फोटो का ध्यान रखना, अभी ये फोटो खींच रहे फटाफट, और कल ऊपर ऊपर रविंद्र जानी, नीचे आलिया भट्ट। अच्छा अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, आजकल तो सिस्टम बदल गया है, अभी इन्होंने फोटो खींचा है, कल ये पेपर में छपेगा, 4-6 दिन बाद में ये पेपर रद्दी में बिकेगा। आप में से ही कुल्लू के जो हलवाई लोरी वाले जो होते हैं उसके ऊपर पेपर की कटिंग करेंगे छोटी छोटी, उसके ऊपर कटिंग के ऊपर रख करके जलेबी समोसे कचौड़ी वगैरह बेचेंगे, वो मेरे मुंह पर चाट लगी रहेगी। आप में से कोई भाई उस जलेबी को कचौड़ी समोसे को खा लेगा और चाट और चाशनी लगी हुई फोटो को फेंक देगा, फोटो नाली के पास में पड़ा रहेगा मेरा फोटो चाट लगी हुई, और कोई कुत्ता आकर के उसको चाटेगा। और देश में आजकल कई नेताओं के फोटो केवल इसी काम आ रहे। सिस्टम ऐसा बदल गया है। मैं ये चाहता हूं कि ईमानदारी से एक बार, ये बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, भाई साहब संचालन कर रहे थे, संचालक जी वो शर्मा जी अभी बैठ खड़े हुए थे, कहां गए? शर्मा जी को बुलाना एक बार। हाँ शर्मा जी को इधर। शर्मा जी बढ़िया संचालन कर रहे थे, अभी मेरे से एक प्रश्न किया, बोले यार जानी भाई एक प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा शर्मा जी क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोले यार मैं ये चश्मा लगाता हूं तो लड़कियां देखती नहीं है। तो मैंने कहा शर्मा जी सिंपल सी बात है, चश्मा हटा दो। बोले फिर दिखती नहीं है। बड़े मस्त टाइप के आदमी है शर्मा जी आपके। अभी पिछले दिनों की बात, ये पूरे देश भर में कार्यक्रम करने जाते हैं, अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे साथ मुंबई के कार्यक्रम में थे तो इन्होंने कहा भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा देखो शर्मा जी बड़ी होटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है आओ और खाना खाओ, तो इन्होंने कहा बिल्कुल चलो। हम अंदर घुसे, होटल के अंदर जाते ही दो दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। मैंने पूछ लिया कौन सा खाओगे शर्मा जी? बोले ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। अंदर घुसे, दो दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। मैंने पूछ लिया कौन सा खाओगे शर्मा जी? बोले ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। अंदर घुसे, दो दरवाजे, एक पे लिखा था नगद, दूसरे पे उधार। मैंने पूछ लिया कौन सा खाओगे शर्मा जी? बोले ब्राह्मण का बच्चा उधार।
अंदर घुसे पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए, ये भी हो जाता है। मैं हालांकि शुरू नहीं हुआ अभी तक, मैं सुनाने की कोशिश ही कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि ईमानदारी से एक बार ये भव्य कार्यक्रम मित्रों पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, और यकीन मानिएगा हर बड़े से बड़ा कलाकार इस जगह पर आना चाहता है। आपने, आप सभी लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम को बड़ा कार्यक्रम बनाया है, तो मैं ये एक बार चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मैनेज करने वाले जिला प्रशासन के तमाम लोगों के सम्मान में और आपके अपने युवा आईएएस ऑफिसर आपके डीसी आशुतोष जी के सम्मान में एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताएं कि आप उनके साथ में। हाँ, ये देखो डीसी साहब भजवा दिए है नहीं जरूरी है, क्योंकि पेमेंट वाला मामला उधर ही फंसा हुआ है। पुलिस वाले जवान भी हंस रहे हैं, तो इससे एक बात साबित हो रही है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है। है नहीं, सही बता रहा हूं। अच्छा, इधर की पुलिस के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे, अपन बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं। क्या है इधर से निकलना भी तो है, सुबह पता चला पुलिस थाने में मेरा प्रोग्राम करवाए। यहाँ की पुलिस बहुत सीधी है, कुल्लू की पुलिस बहुत सज्जन है। इतनी सीधी है कुल्लू की पुलिस तो कि बिचारी जो भी दे वो प्रेम से रख लेती है। पर मैं ये चाहता हूं कि एक बार पुलिस के सम्मान में भी ताली बजाएं, क्योंकि इतने बड़े भव्य कार्यक्रम बिना पुलिस के संभव नहीं है। हाँ देखो, भजवा दिए क्योंकि वो दरोगा जी डंडा लेकर के मेरे सामने ही देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, पिछले दिनों की बात है, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। और प्रतियोगिता का सिस्टम यह था कि जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और जो पुलिस सबसे पकड़ के लेके आएगी पहले, उसको $50,000 का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई और मात्र 15 मिनट में इंटरनेट से लोकेशन निकाल करके जंगल में से उस शेर को पकड़ लिया। उसके बाद जापान की पुलिस गई, जापान की पुलिस भी बहुत तेज है, जापान की पुलिस ने भी मात्र 18 मिनट में इंटरनेट से पता नहीं क्या सेटिंग करी, उस शेर को पकड़ के लेके आ गए जंगल में से। उसके बाद में अपने इंडिया की पुलिस गई, 18 घंटे तक नहीं है। और मजा तो तब हो गया जब इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए जापान और अमेरिका की पुलिस गई और उनको भी पूरे के पूरे 2 दिन लग गए। जो नजारा जंगल में देखा वो हैरान कर देने वाला था। मजा आ जाए तो सब लोग ताली बजाना। जब अमेरिका और जापान की पुलिस जंगल में पहुंची 2 दिन बाद में इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए, तो वो बहुत गहराई में झुरमोटों के जंगलों के अंदर थे, जहां पर इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, और नजारा हैरान कर देने वाला था। इंडिया की पुलिस के दरोगा ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे थे और पीछे से 2 जवान उस बछड़े को पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, बोले कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है। हाँ, एक बार ताली वाली बजाओ, मजा आ रहा है तो। हाँ, गाना वाना अभी चलेगा, मैं और आप लोगों के बीच में आऊंगा। अच्छा, 2-3 मिनट क्योंकि समय की थोड़ी बंदी से है, माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। अभी वो मैडम मेरे पीछे बैठे हुए मेरे से एक प्रश्न किया, बोले जानी भाई आप टीवी में आते हो, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैंने कहा मैडम करो। बोले महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा मैडम आपको नहीं मालूम? बोले नहीं नहीं आप बताओ। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैडम महिलाएं मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले फिर पुरुष क्यों नहीं भरते? मैंने कहा पुरुष इसलिए नहीं भरते क्योंकि ये गोचर भूमि है। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, समय की थोड़ी बंदी से है, मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊंगा। और आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार मेरे सम्मान में भी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बजा दो ताली, क्योंकि अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और एक सेल्फी मैं आपके साथ में ले लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपकी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप अपने सीएम साहब के सम्मान में, आप अपनी सरकार के सम्मान में भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाइए, उनकी बदौलत ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत, अभी इनके पास बहुत सारा मटीरियल था, लेकिन क्या करें, समय के अभाव में हम थोड़ा इनको जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, क्योंकि
समय 10 बजे तक का ही है, कलाकार बहुत सारे पीछे इंतजार कर रहे हैं, तो आइए टिबेटियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकार आपके मध्य लेकर आ रहे हैं स्नो लॉइन डांस। आइए, कलाकार बिल्कुल तैयार हैं, जल्दी से कृपया शुरू कर दें जिससे कि आगे जो आने वाले कलाकार हैं उनको थोड़ा समय मिल जाए। टिप्पा के कलाकार आपके मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्नो लॉइन डांस। Check one. Thank you.
तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे बीच ये खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आए। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा टिपा के लिए, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका यहाँ पर स्वागत होना चाहिए। हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और साथ ही उनके धर्मपत्नी भी यहाँ पर विराजमान है। मैं आपका भी एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत है, और आगे आपको लेकर चलता हूँ। और हमारे बीच जो नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है मंडी से, हमारे बीच यहाँ पर मंडी का फेमस बांठड़ा लेकर मांडव्य कला मंच यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंडी के इन कलाकारों का। मांडव्य कला मंच हमारे बीच खूबसूरत बांठड़ा लेकर, मंडी के एक बहुत प्राचीन, जो पहले पहले पुराना टाइम हुआ करता था लोगों में एंटरटेनमेंट के, जो बहुत जरिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, तो उस टाइम पर इस तरह के कलाकार लोगों को एंटरटेन करने के लिए मेलों में, सड़कों पर इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी सी कुछ चीज़ें लेकर आते थे। तो उन्हीं में से एक कला है बांठड़ा, जो लोगों को हंसाने के लिए पुराने एक एक्ट है, जो हमारे बीच मांडव्य कला मंच अभी अभी लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद आप सबको हंसाने के लिए प्रिंस गर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर है, हमारे हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन प्रिंस गर्ग। और उसके बाद नाटियों पे झूमने के लिए तैयार रहिए किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी के साथ। किस्मत नहीं काम मारी होए ठगने।
देख वालो आए कोई देख वालो वो लग गया अंधे वारा लग गया अंधे क्या वो कमला कमला क्या जी मेरी लाड़ी तो नहीं देखी तुसे ए आएगी आएगी तू हाँ जी क्या बोलना करे तुसे ओए डाना पारले गांव आए रे बड़े भारी तगड़े महात्मा ता दादी हुई बड़ी भारी बीमार ते सो लगी रहा बुखार हो नहीं बढ़िया हॉस्पिटलों नहीं जाना हॉस्पिटलों नहीं नहीं क्या बुरा हाल हो गया पता नहीं क्या क्या एक्सरे उस रे क्या क्या लिखी दें चुपचाप हॉस्पिटलों चलावा हो नहीं एक बार ही जाई हमने सारी गांव वाली जनाना जा रही थी ना महात्मे वाले तो चलो हम मैंने ना था ही नहीं तू सा चलो चल ता चल देखो आए आवारा आए एक कमर देख जनाने अच्छा तू सारे घर वाले कौन है वो से रब्बी या रब्बी किने बगाड़ी नहीं असली छापी देखिया हां मैं कहना ते पे तो बड़ भारी मेरा भाई रब्बी एड़ा टेड़ा है हां ये पहले क्या पता पता एड़ा ना तीन चार चीजें करनी बाबा जी नगे निकलावा तो मेरे के खिलाओ मेरे के अच्छा तू हाथ दस पहले अपना देखा ओए तेरी तो चादर सारा की होए तू चुप रह भाई ना पता कर देखो हां तेरी कितने ठीक करम अच्छा मैं छतरू रुवा करे बूट नहीं ये भी लगा ला चंद्र ओ लग रहा अली के छी अली काला भेटू लग रहा काला भेटू ए सुना ना काला भेटू नहीं मिलता आजकल ए पूछ लो भावे नो वो तक कुछ नहीं और रंग करना सा काला बस तू लीते आया समाधान जब बेबी एक खाक खोलनी हर कुछ छे बोले तू सबोरा जान दे चुप रहेगा ठीक है तो जाओ देना कदे तू से चतरा चारी प्रवेश हो आया ठीक है बाबा जी ठीक है हां ठीक है जाओ तो जाओ नहीं ये चैत्रा की झाली कदिया वही बाबा जी ओ ठीक है बड़ा पता ओए चल बड़े चल दे ना दूजे ग्राउंड चलाए चल चल जय बाबे दी जय बाबे दी जय बाबे दी बाया की दियो करा है अच्छा बाने का क्या करना माथा के क्या करा कि उड़का लिया जाया करा ओ सुन तू सहरे प्रश्न हां जी किस पूछनी इन्ना पूछनी जी ना तो तू की था फिर ये थी उठ चल चल आते बैठ एड़ा ना दादी हुई बीमार शरीर की सौ उम्र पार ते सवायरा बुखार ते सारा करना उपचार एड़ा करना हाँ जी अच्छा कपड़ी मांझे जड़ी लुआई छे तो ठीक कबर दाने देवा दिखाई तू जाने ठीक है यार जाता नहीं बोल ओ मोहलान दे एड़ा हाँ अंग धरती का नहीं लिपाई लिपाई कपड़ी मांझे ने चकड़ी धरती जड़ी सुआई
ਉਪਰਾ ਸਪੇਸ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਗਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੱਪੀਆ ਪਿਆਣਾ ਦੂਸ ਕਿਸਾ ਕਾਂਟੀ ਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿਦ ਰਜੂਸ ਉਹ ਖੱਟੜਾ ਗਲਗਲਰਾ ਗਲਗਲਰਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਰੀ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਡਾ ਇਹੜਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖੱਪੀਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਤੇਰਾ ਦੇ ਆਲੇ ਬਾਦ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਖਾਂਦੇ दुर्गा सेखा था मेरे घर पीछे मुर्गा चुप रहा तू ज्यादा नहीं बोल गल सुन और चुप देख तीने बाबे बोले दुर्गा ना घर लाड़ी देंदी बोलने ना तू देदा बोलने चुप रहवा है ओके तू बड़ी भारी बनाई है देखा बड़ी सती सावित्री बनी के खड़ी है वो तो पकड़ी लेंगी तू से ज्यादा नहीं बोला केड़ा लाला है मेरे साथ भी नहीं देंदा बोलने भी नहीं करता कुछ है क्या बोले ग्राम एंजॉय के ये ओए मुर्गा दुर्गा खा था सारे घर पीछे मुर्गा तीने कितना तू सो मैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है इसलिए हमें यहीं पे आपका एक्ट रोकना पड़ेगा मैं चाहूंगा एक बार मांडव्य कला मंच के इन सभी कलाकारों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए और इनका मैसेज था कि जितने पाखंडी बाबा हैं उनसे हमें बचकर रहना चाहिए अंधविश्वास में हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए इसलिए इन सब चीजों से बच कर रहिए तारा इनका एक प्रोग्राम भी काफी पॉपुलर रहा था तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे हिमाचल के गजब के कॉमेडियन प्रिंस गर्ग समय बहुत कम है नमस्ते अगले साल आऊंगा सबसे पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये लाइटें लगाई हैं क्योंकि मैं अंधेरे में दिखता नहीं हूं नहीं थोड़े दिन पहले ना मेरा प्रोग्राम था बेंगलोर में ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं वहां पे भी जाता हूं तो वहां पे सारे लोग हंस रहे थे एक औरत नहीं हंस रही थी सारे हंस रहे वो मेरे को ऐसे देख रही है अब मेरे से रहा नहीं गया मैंने फिर मिमिक्री सुनाई वो मेरे से देख रही वो फिर ऐसे देखे हैं मेरे से रहा नहीं गया मैं उसके पास गया मैंने आंटी जी कोई गलती होगी कहती तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है और ये वही लोग हंस रहे हैं जिनकी सास की शक्ल मेरे साथ मिलती है एक बार ना अपने लिए तालियां मारो फिर मैं आगे शुरू हो जाता हूं देखिए मेरा नाम है प्रिंस और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार आपको मम्मी की कसम लगे सच बताना मेरी शक्ल है राजकुमारों जैसी और नहीं और ना सबसे बड़ी बात कि हर औरत का और लड़की का सपना होता है कि सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा हमें ले जाएगा पर जब से उन्होंने मुझे देखा है कहते भले ही गधे पे आए पर इसके जैसे तो बिल्कुल नहीं हो और ना आज मैं जब यहां घर से निकला था ना तो मेरे घर के पास एक कुआं है उसमें क्या है कि आप किसी का भी नाम लो तो वापिस से जवाब आता है तो मैं सबसे पहले मैंने बोला जी मेरे भाई का नाम लिया मैंने बोला सतिंदर गर्ग तो वापिस से जवाब आया सतिंदर गर्ग फिर मैंने अपना नाम लिया मैंने बोला जी प्रिंस गर्ग तो वापिस से फिर जवाब आया प्रिंस गर्ग फिर मैंने गोविंद ठाकुर जी का नाम लिया मैंने बोला जी गोविंद ठाकुर जी कोई जवाब नहीं आया मैंने बोला जी जो मंत्री महोदय हैं मनाली वाले गोविंद ठाकुर जी कहता कोई जवाब नहीं आया फिर साथ में एक संत बैठे थे मैंने उनको पूछा मैंने भाई साहब क्या चक्कर हो गया कि जवाब नहीं आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात बोली कहते हैं कि सतिंदर गर्ग का जवाब हो सकता है प्रिंस गर्ग का जवाब हो सकता है लेकिन गोविंद ठाकुर जी का कोई जवाब नहीं है ये लाजवाब है सुपर है ग्रेट है अल्टीमेट है और ना मेरे को टाइम कम है तो मैं पहले वो सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है मैं आज जब सुबह उठा तो मेरे कानों में चिड़ियों की आवाज सुनाई दी
मैं जैसे ही सामने देखा तो मेरी भाभी जी जो है वो चाय लेके आ रही थी और पैरों में झांझरें डाली थी, बड़े प्यार से चल रही थी। मैं जैसे ही सामने देखा तो भाभी का छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैं वहां से जैसे ही उठा ना, मैं टीवी ऑन किया तो टीवी पे ना कार्टून में चल रहा था कि कुल्लू दशहरा हो रहा है। तो मैंने जैसे टीवी ऑन किया तो मोटू पतलू का जोन डोन कह रहा था, कहता आहा हो जान में निकल जान करो के कौन चपड़ गंजे कुल्लू दशहरा हो रहा है, मैं भी जाऊंगा डीसी साहब होंगे। और मैंने वहां से फिर दूसरी तरफ चैनल मोड़ा तो वहां पे मोटू आ गया। वो कहता अरे मोटू खाली पेट पर दिमाग की बत्ती जल जाती है, मेरे लिए समोसे लेके आओ, कुल्लू दशहरा में जाना है। मैंने फिर वहां से रिमोट उठाया, मैंने चैलेंज चेंज किया तो ऑगियन द कॉकरोच आ गए। वो बात करते अच्छा है, आज का दिन है बड़ा सुहाना, मेरा दिल हुआ दीवाना। हे बड़े भैया मैं भी जाऊंगा कुल्लू दशहरा में, डीसी साहब होंगे वहां पे, आशुतोष गर्ग जी मैं भी जाऊंगा। ओए मुन्ना तू अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगा ढक चक्का। मैंने फिर वहां से चैलेंज चेंज किया तो डोरेमोन आ गया। वो आके कहता बड़े प्यार से डोरेमोन डोरेमोन अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो मैं कुल्लू दशहरा में कैसे जाऊंगा, डोरेमोन मुझे गैजेट दे दे प्लीज। मैं वहां से जैसे उठा तो मैं आंगन में पहुंचा तो वहां पे ना बकरा और बकरी ना आपस में बातें कर रहे थे कुल्लू दशहरे में आने के लिए। तो बकरा बड़े प्यार से कह रहा था, कहता कुल्लू दशहरा ये। तो वहां पे बकरी की मम्मी ने कहा है कि तूने इसके साथ नहीं जाना, तो बकरी मना करी, कहती मैंने दूसरी तरफ देखा तो मुर्गा और मुर्गी आपस में पूछ रहे थे कि तू चलेगा मेरे साथ, तो मुर्गा पूछ रहा, कहता अब मुर्गी मना कर रही है बड़े प्यार से, कहती मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो कोयल और कौआ उनकी शादी को हो गए थे 6-7 साल, तो बड़े प्यार से ना वो आके कोयल कौए को कह रही थी, कहती अब कौआ चिढ़ रहा, कहता मैं जैसे बाहर पहुंचा तो लाइट चली गई, वहां पे जनरेटर आया, जनरेटर चल रहा था, मैंने दूसरी तरफ देखा तो बैंड वाले आ गए थे, वो शुरू हो गए, साथ में ढोल वाला था वो शुरू हो गया, समय का अभाव है वरना हम तो 1 घंटा सुनाने वाले हैं। एक बार प्रशासन के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिनकी वजह से हम जैसे आर्टिस्टों को मौका मिलता है। और हम लोग हिमाचली हैं, हम लोग एक बार भारत माता का नारा लगाएंगे क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पे हमेशा एक वीडियो डालता हूँ। सारे अपने फ्लैश ऑन कर लीजिए जो जो अपने भारत माता से प्यार करता है, हम एक प्यारा सा वीडियो बनाएंगे, फ्लैश ऑन हो जाए एक बार, वेरी गुड, सारे आ जाओ। सो दोस्तों मैच ही इंटरनेशनल फेयर कुल्लू दशहरा, मेरे साथ है प्यारे प्यारे लोग, हां जी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने माँ बाप की कदर करते रहिए, उनसे प्यार करते रहिए क्योंकि वो इस कलियुग के जिंदे जागते भगवान है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया। बहुत जोरदार तालियां एक बार प्रिंस गर्ग के लिए, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। थोड़े से टाइम में भी आपको हंसाने में इन्होंने कमी नहीं रखी। और अभी हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं आज की शाम में। मुझे पता है पहाड़ी गानों के यहाँ पर बहुत सारे दीवाने हैं, तो अब मैं ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लेता हूं और उस गजब की आवाज को स्टेज पर इनवाइट करता हूं जिसे आप सभी जानते हैं, द किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी।
थैंक यू। बोलती बंद करवा देते हैं आप लोग मेरी। स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोविंद ठाकुर जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी एडीएम साहब, एसपी साहब, और धन्यवाद करना चाहूंगा उपायुक्त महोदय, एसी साहब, एसडीएम साहब, अन्य जो भी एचएस अधिकारी हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप सभी का स्वागत, बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, एक टाइम वो भी होता था जब यहाँ पर हम स्टार नाइट में 2.5 घंटा गाते थे, आज 25 मिनट वक्त के साथ साथ, लेकिन कोशिश करूँगा गागर में सागर भरने की। आर यू रेडी फॉर डांस? इसे कहते हैं एनर्जी लेवल, आपको देख के एनर्जी बहुत आती है। नाटियां गाऊंगा क्योंकि जहां पर होगा ठाकुरदास राठी वहां लगेगी नाटी। थैंक यू। आपका ये जो कर्ज है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं, जो आप लोग प्यार देते हैं, मेरा घर है। एक आग्रह है आपसे, नाटी से पहले मैं एक मंत्री महोदय, हिमाचल को जब 50 वर्ष पूरे हुए थे स्वर्ण जयंती पर, मैंने गीत लिखा था, आपके सामने गाने का मौका नहीं मिला। दो लाइनें गाऊंगा, उसके बाद जो आप बोलेंगे वो गाऊंगा। ओके, तो एक आग्रह आपसे, सभी अपने अपने हिमाचल के 50 वर्ष जब पूरे हुए थे स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में गाना है, आप सभी अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करेंगे। यूं सभी जो भी हिमाचली होगा, जिसे अपने हिमाचल होने पर गर्व होगा, मैं देखना चाहता हूं जितने भी यहां पर हैं जिनको हिमाचली होने पर गर्व है, वो अपने अपने आगे, मुख्य अतिथि जो दीर्घा में भी, सभी गुड। अब मैं लाइन गाऊंगा, ये लाइट ऐसी जलती रहनी चाहिए और हमारा हिमाचल यूं ही चमकता रहना चाहिए। ए शार्प ना, हिमाचल बासियो जुबारी डाली लानी, जुबारी डाली लानी, पजाहा साले राहुआ हिमाचल स्वर्ण जयंती मनानी, लो स्वर्ण जयंती मनानी, 12 जिले 12 फूला लो सही हिमाचल एक माला प्यारी। जोरदार तालियां, मंत्री महोदय ने भी अपनी जो मोबाइल की फ्लैश ऑन की हुई है, इसका मतलब हमारा हिमाचल यूं चमकता रहेगा। 12 जिले 12 फूला लो संग हिमाचल एक माला प्यारी, देव भूमि रे दर्शना केर दी एंदी दुनिया सारी, खोने खोने बोला जंगल ओखे ठंडड़ा ठंडड़ा पानी, लो ठंडड़ा ठंडड़ा पानी, हिमाचल बासियो जुबारी डाली लानी, जुबारी डाली लानी। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप, जय हिमाचल। थैंक यू, क्या बात है, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं नाटी की ओर। आज एक बात सुनिए, पहले सीधा नाचने वाला करूं, एक गीत है मेरा बहुत पीछे, एक दो मिले मुझे, अब ये नहीं पता उनका दिल तो नहीं टूटा है, बोला तेरे प्यारा री आदत गाना, तेरे प्यारा री आदत पाई दूर दूर किया रोना हो, गाना की नहीं गाना है। एक मिनट, अगर गाना है तो खड़ा हाथ करेंगे तभी गाऊंगा मैं। ओ बापा रे, ये तो गाना पड़ेगा, सुन लो जी, ये पहले आप लोग मेरे साथ में गाएंगे, दो लाइनें इसकी गाऊंगा, उसके बाद बांकी चंद्रा हवा लगी चंडीगढ़ आ रही सब होगा। ओके,
अच्छा मेरी इस गीत को YouTube पर लगभग अभी कुछ मिलियन से ज्यादा बिल्कुल फोक टाइप का है, अगर आप लोगों ने सुना तो आप गाएंगे साथ में, गाएंगे ना? ओके अच्छा देखिए, जो है प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गाएगा, एक सहेली अपने दूसरी सहेली के लिए, जो पति अपनी पति के लिए, पत्नी अपने पति के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए, ठीक है? ओके चल छड़िए आज लो तुसे कदी मिलना होना लो तेरे प्यारे री आदत पाई दूर दूर गाइए रोना लो आदत पाई दूर दूर किया रोना लो चल छोड़िए आज लो तुसे कदी मिलना होना दो तेरे प्यारे री आदत पाई दूर दूर किया रोना दो तेरे प्यारे री आदत पाई दूर दूर किया रोना दो शावण महीना लग लगे भरी भरी होनी सेरी लो याद कीजिए सभी अपने अपने महबूबा को ओ शावण महीना लग लगे भरी भरी होनी सेरी लो फूल बागान खिल ले जेबे याद रहनी बहुत तेरी लो ये तो मैंने इसलिए गाया ये क्योंकि इसके बाद नाटी होगी, जैकेट उतरेगी तो सुर भी उतरेंगे। ये इसलिए बताया कि हम ऐसी कंपोजिशन भी गाते हैं और बनाते भी हैं। ओके गाए फिर बांकी चंद्रा। हाँ हो जाओ जरा तैयार, फिर हो जाओ तैयार। टाइम कम है, साथ में गाएंगे हम। ओके हो बांकी चंद्रा याद रखी गला मेरी लो, एक बार हो बांकी ओ गोरे रंगो रंग मान ना कर, गोरे रंगो रंग मान ना कर, जवानी चार रोज तेरी लो बांकी चंदरा याद रखी गला मेरी लो, ओ बांकी चंदरा याद रखी गला मेरी लो। शबाशे है शबाशे, क्या बात है, जोरदार तालियां बच्ची के लिए, ये नाचना चाहती है यहाँ पर, ये शबाशे है शब, जोरदार तालियां हो जाए, नाचो बेटिये, क्या बात है ये, ओ बांकी चंदरा याद रखी गल, पीछे लगी नाटी ये। मैं पुलिस वालों से आग्रह करूंगा, कुल्लू वाली जनता कोई हुड़दंग नहीं मचाती है, अपनी जगह यूं थोड़ा थोड़ा झूमिए, अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, ये हुई बात ये। हो बांकी चंदरा याद रखी गला मेरी लो, शाबाश शाबाश।
शोरू होंगे भंबरे नहीं लोड़ी को ये घेरी लो शोरू होंगे भंबरे नहीं लोड़ी को ये घेरी लो फूला फूला बंदे उड़ दे फूला फूला बंदे उड़ दे नहीं पूछ दे फेरी लो हो वांगी संदरा याद रखी गला मेरी मैं स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे आदरणीय सुरेश चंदेल जी सॉरी सर मैं पहचान नहीं पाया और हमारे भाई युवराज बौद्ध जी जोरदार तालियां मैं पहचान नहीं पाया था पहले भाभी जी थोड़ा सा हो जाता है सॉरी ओ शोरू होंदे भंबरे नहीं लोड़ी को ये शोरू होंदे भंबरे नहीं लोड़ी को ये गेरी शोरू होंगे भंबरे नहीं लोड़ी को ये खेरी लो फूला फूला बंदे उड़ दे फूला फूला बंदे उड़ दे नहीं पूछ दे फेरी लो हो की चंद का ये याद रखी गला मेरी लो ओ एक मिनट ऑर्केस्ट्रा आप सुनिए कुल्लू वाले कितना सुर में गाते हैं गाइए हो बांकी क्या बात है ओ गोरे रंगो रंग मान ना कर जवानी तार सज तेरी लो हो बांकी संदरा याद रखी गला मेरी लो हो बांकी संदरा याद रखी गला मेरी राखी संगे केरी झुरना प्रीत पुंगे बजेरी लो राखी संगे केरी झुरना प्रीत पुंगे बजेरी लो आज समझी चंद्रा आज समझी चंद्रा कल हो एक और गीत वो एक बांकी शोरी गांवारी गोरी तेरे निशो भली सुरता भोरी वो एक बांकी शोरी गांवारी गोरी तेरे निशो भली सुरता भोरी वो नौठी पढ़ दी चंडीगढ़ कॉलेज नौठी पढ़ दी चंडीगढ़ कॉलेज बोल दी हेलो हाउ आर यू वन टू थ्री ए अवला की चंडीगढ़ पर हुई बोलू व्हाट डू यू मीन उसे कोई तू की रहनी बदली आई पर हुई बोलू व्हाट डू यू मीन वो छोड़ अंडे तू फैशन फैशन छोड़ अंडे तू फैशन
fashion, fashion. Sisi sadhi banki tu. One, two, three, one, two, three. Awala ki channi gadari ho. Awala ki channi gadari ho. Ye lagi piche naati. Ye hui baat. Awala ki channi gadari ho. टाइम कम हो गया और जो YouTube पर देख रहे हैं Facebook पर देख रहे हैं वो जो पेज है प्लीज ऑडियंस को दिखाओ। होता क्या कि वो सिर्फ मंच देखते हैं इसलिए बोलते हैं कि मजा तो पीछे आ रहा है। टाइम कम है फास्ट करूं। देखिए शुरू करूंगा एक अपने हिट गीत से श्रीदेवी से करूं ना उसके बाद फास्ट। ओके ओके जी शार्प ओ झुरी हो सा सबीरी शोबली जंडी साई बारी बीबी मेरी झुरी सा ठंडी लो बाकी जंडी तशीरी देवी हो मेरी मेरी श्री देवी है तो कै चाली तो मेरी श्री देवी है को कै चाली तो मेरी श्री देवी है को कै चाली तो मेरी श्री देवी है को कै चाली तो ओए झुरी हाँ सा सबीरी शोबली जंडी साई बारी बीबी मेरी झुरी सा अंडी लो बाकी जंडी तशीरी देवी हो मेरी मेरी श्री देवी है कोखे चाली तो 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 जो पीछे नाच रहे हैं एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए प्लीज नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। ऐसे नाचिए दूसरों को कष्ट नहीं प्लीज। थैंक यू। तीन मिनट बाकी है झूम के नाचिए। ओए झूम के नाचो रे झूम के नाचो रे कुल्लू दशमी लगी यारो झूम के नाचो रे झूम के नाचो रे नाचो रे कुलू दशमी लागी यारो झुमके नाचो रे ढोल बाजो रे ढोल बाजो रे कुलू दशमी लागी यारो ढोल बाजो रे झुमके नाचो रे झुमके नाचो रे कुलू दशमी लागी यार झुमके लगे रे वन टू थ्री स्टॉप शाबाश 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 मंत्री महोदय के लिए अन्य जो करने माने व्यक्ति। थैंक यू मंत्री महोदय धन्यवाद। अब नाचिए थोड़ी देर के लिए ये झुमके नाचो रे झुमके नाचो रे कुलू दशमी लागी यारो झुमके नाचो रे ढोल बाजो रे ढोल बाजो रे कुलू दशमी लागी यारो ढोल बाजो रे शाबाश 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 जितने भी खड़े अपने अपनी जगह यूं खड़ा करेंगे नया स्टाइल जरा कैमरा पीछे मारो सभी वन टू थ्री स्टार्ट शाबाश 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 ओए ढोल बाजो रे कुलू दशमी लागी यारो ढोल बाजो रे ढोल बाजो रे कुलू दशमी लागी यारो ढोल बाजो रे झुमके नाचो रे झुमके नाचो रे कुलू दशमी लागी यारो ढोल बाजो रे निर्मंडारिये बामणिये हो निर्मंडारिये बामणिये पया बरखारा छाला बलिए पया बरखारा छाला बलिए
ये मंडारी ये बामनी है, सभी झूमिए मंडारी ये बामनी है, निर मंडारी ये बामनी है, हो निर मंडारी ये बामनी है, अट जाता वाचने नाचन दे जी भर के ने, ओ हट जाती यंत वाचने नाचन दे जी भर के ने, ओ हट जाती यंत वाचने नाचन दे जी भर के ने, जोरदार सीटी हो जाए एक बार। धन्यवाद डीसी साहब, पूरा जिला प्रशासन, एडीएम साहब, एसी साहब, एसडीएम साहब, पूरी जो मेला कमेटी है, आपने मुझे मौका दिया। टाइम कम था, सोचा बहुत था गाने को, अगली बार सही। आई लव यू। बहुत जोरदार तालियां एक बार हमारे किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी जी के लिए। आज की खूबसूरत शाम बहुत ही जबरदस्त रही और कल भी आप यहाँ पर पहुंच जाएगा क्योंकि कल हमारे पुलिस के जवान हमारे साथ होंगे। हार्मनी ऑफ द पाइंस पुलिस ऑर्केस्ट्रा को सुनने के लिए कल सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आ जाइएगा। उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो फिलहाल जयंत को दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।